रुझान अंतर्वेशन और बहिर्वेशन ट्रेंड इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। हमने देखा कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने और उनके अध्ययन के बाद हमें कई बातें पता चलती हैं, किंतु कई बातें हम नहीं जान पाते। एक और सवाल यह है कि हमारे पास जिस अंतराल के आंकड़े हैं उसके आगे के आंकड़ों के बारे में क्या हम कुछ कह सकते हैं। माना हमने एक शहर में कुल वर्षा के आंकड़े कई वर्षों तक ज्ञात किए, इसमें से बीच के कुछ वर्षों में कुल बारिश के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इन्हें इकट्ठा करना रह गया, तो क्या हम इनका अनुमान लगा सकते हैं? और हम यह भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन आंकड़ों से हम यह बता सकते हैं कि आने वाले साल में कुल कितनी बारिश होगी। इन दोनों के बारे में सोचने के लिए हमें आंकड़ों के पैटर्न को देखना होगा, यानी क्या आंकड़ों में बदलाव का कोई निश्चित ढंग है, क्या उनमें हम कोई रुझान देख सकते हैं। हम आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि ऐसा कब किया जा सकता है और कब नहीं। मान लीजिए कि आप किसी द्रव्य को 40 मिनट तक गर्म करते हैं और चार अलग अलग समय पर उसका तापमान नोट करते हैं जो इस तालिका में दिए हैं। इन आंकड़ों को आलेख में दर्शाने पर बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं से जोड़ती हुई एक रेखा खींचिए। हम कह सकते हैं कि शुरुआत में 0 मिनट पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 मिनट बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 मिनट बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 मिनट बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। पर क्या हम इन आंकड़ों को देखकर 20 मिनट और 60 मिनट बाद तापमान बता सकते हैं? जाहिर है नहीं। इन आंकड़ों में सिर्फ 0, 10, 30 और 40 मिनट पर तापमान दिए हैं। 20 मिनट अंतराल 10 से 30 के बीच आता है। हम आलेख की मदद से 20 मिनट के संगत तापमान पता कर सकते हैं, जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आलेख 2। यहाँ दिए गए आंकड़ों में अनंत ऐसे आंकड़े हैं जो दिए गए आंकड़ों के अंदर आते हैं और उनके संगत तापमान भी इस आलेख से बता सकते हैं। इसे अंतर्वेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ आंकड़ों का परिसर यानी कि रेंज 0 से 40 मिनट तक है। 50 मिनट इसके बाहर आता है। 50 मिनट पर तापमान पता करने के लिए हम इस आलेख की रेखा को उसी ओर आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर हमें 50 मिनट पर तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आगे बढ़ाई गई रेखा पर अन्य संगत तापमान भी दर्शाए जा सकते हैं। यह तरीका जिसमें लिए गए आंकड़ों के रुख को आगे बढ़ाते हुए आंकड़ों के परिसर के बाहर के अनंत मान पता करते हैं, बहिर्वेशन कहते हैं। यह माना जाता है कि आंकड़ों के बदलने का रुख ट्रेंड एक ही है और आंकड़ों के परिसर के बीच व उसके बाहर दोनों के लिए उसमें कोई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव नहीं है। अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की सीमाएं। इस उदाहरण में हमने आलेख के आधार पर 0 से 40 के बीच 20 मिनट पर व इस परिसर के बाहर भी 50 मिनट का तापमान बता दिया। क्या आप यह बता सकते हैं कि द्रव्य को 90 मिनट तक गर्म करें तब तापमान कितना होगा? तालिका में आप देखते हैं कि प्रत्येक 10 मिनट में द्रव्य के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 90 मिनट पर तापमान 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या खुले बर्तनों में गर्म हो रहे पानी का ताप हो सकता है? जाहिर है कि इस ग्राफ का रुख धीरे धीरे बदला और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बाद के समय की ओर ज्यादा नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्या अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन सभी आंकड़ों में किया जा सकता है? क्या निम्नलिखित आंकड़ों में भी हम यह कर सकते हैं? आइए देखें। ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े निम्नानुसार हैं। वर्ष 1960 में ऊंचाई 1.85 मीटर, वर्ष 1964 में ऊंचाई 1.90 मीटर, वर्ष 1972 में ऊंचाई 1.92 मीटर, वर्ष 1976 में ऊंचाई 1.93 मीटर, वर्ष 1980 में ऊंचाई 1.97 मीटर। इन आंकड़ों के आधार पर क्या आप बता पाएंगे कि 1956 में ऊंची कूद की अधिकतम ऊंचाई कितनी रही होगी? यह संभव नहीं है, क्योंकि इनमें कोई रुझान नहीं है। ये तो उस प्रतियोगिता में अधिकतम दूरी के रिकॉर्ड किए गए आंकड़े हैं।
इसी प्रकार यदि जनसंख्या के आंकड़ों में कोई रुझान नहीं है तो इसमें भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे के वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी या दिए गए वर्षों के बीच किसी वर्ष में जनसंख्या कितनी रही होगी। यानी अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन की सीमाएं हैं जो आंकड़ों के रूप व रुख पर आधारित होते हैं। हम प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों के लिए अंतर्वेशन और बहिर्वेशन नहीं कर सकते।